सकता है, उसमें कोई वो नहीं होती, लेकिन सबका अपना तरीका है। असल में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो मलामत को पसंद करते हैं, मलामत ही होते हैं। अब मलामती ग्रोह भी हजरत बायज़ बस्तामी से ही निकला है अगर देखा जाए, क्योंकि आप सकर को पसंद फरमाते थे और हजरत जुनैद बगदादी का तरीका सहु था। ये इमाम सहु कहलाते हैं, वो इमाम सकर कहलाते हैं। तो आपने एक बार, आपको अल्लाह ताला का दीदार हुआ, आपने पूछा कि मेरे रब तू मुझे किस हाल में पसंद करता है कि मैं तेरे सामने उस हाल में आऊं। तो कहा है बायजिद मुझे तू इस हाल में पसंद है कि लोग तुझे जलील कर रहे हैं और उस हालत में तू मेरे सामने आए। तो ये मकाम मलामत है और यही वारफ्तगी का मकाम है। अच्छा, अब चूंकि वो वारफ्तगी भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक हिस्सा है कि ताइफ में जो कुछ आपके साथ हुआ वो आपकी हयात मुबारका का हिस्सा ही है ना, वो भी बुजुर्गों पे साबित हुआ, वो सुनने से भी वो खाली नहीं रहे और उस तरीके को उन्होंने जिंदा रखा है। अब जैसे कि उनका वाक्य है हजरत सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक्य है, क्या आप अपने मुरीदीन के साथ जा रहे थे एक जगह, तो रास्ते में बाघ था बेरी का, तो बच्चे बेरी को पत्थर मार रहे थे, एक पत्थर आपको आके लग गया एक बच्चे का, अब वो बच्चा सहम गया एकदम, आपने उसको बुलाया, वो डर गया, उन्होंने बोला ये मुझे मारे नहीं, तो वो बच्चा डरते डरते आपके करीब आया, आपने उसको अपने करीब बुलाकर अपने गले से लगाया और उसके कंधे पे थपथपाया पीठ पे और कहा जा बेटा। लोगों ने कहा हजरत इसका तो पत्थर आपको लगा था, हम तो सोच रहे थे शायद आप इसके साथ कुछ सजा दें इसको, आपने फरमाया क्या मैं इस बेरी से भी कमतर हूं कि बच्चे जब बेरी को पत्थर मारते हैं तो वो बेर गिराती है, डंडा नहीं मारती इनको। तो जब मेरे पत्थर इसका लगा तो मैं क्या करता इसके लिए, मैंने अपने हिस्से में से कुछ दे दिया इसको हिस्सा, और कहते हो बच्चा वली बना बाद। तो वो सुन्नत ताइफ की अभी भी जिंदा रखी हुई बुजुर्गों ने। तो ये बात है, हर का अपना एक तरीका रहा है बुजुर्गों का। अच्छा, इस मुकाम पे क्या घरवाली बीवी सोजा उसकी जो तरबियत की उसकी तवज्जो की भी जरूरत होती है, मैंने देखे बुजुर्ग के हमारे उनकी भी बहुत बदजबान झगड़ालू उनसे इतनी बदतमीजी करती थी कि लोग वो होते थे नहीं बट प्रॉफ में थे चिश्ती ऐसे थे लेकिन वो महर मजदूरी इस कदर झगड़ालू इस कदर बदतमीज आती थी, तो क्या मैं ये तरबियत सबक का हिस्सा है या आम। देखो हजरत दाऊद ताइब का भी वैसी वाकया है और हजरत मौलाना मजहर जाने जाना नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग गुजरे, इनके बारे में नक्शबंद के बुजुर्ग कहते हैं कि पूरे नक्शबंद में ऐसा बुजुर्ग कोई नहीं गुजरा जैसे मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। आपको शहीद किया गया था, आपको शहीद हो गए थे, आपकी बीवी इंतहाई बदजबान थी, यहां तक कि अगर कोई मुरीद आपका पता करने घर चला जाए तो वो भी बेइज्जत हुए बगैर नहीं आता था। लोगों ने आपसे शिकायत करी तो लोगों ने शिकायत अंदाजे करी जैसे बुरा समझ रहे आपकी इस बात को, तो आपने फरमाया कि भाई उसको बुरा ना कहो। उन्होंने कहा हजरत क्यों, कहा मेरी विलायत उसी की वजह से है कि मैं
उसकी जबान दराजी पे जो सब्र करता हूँ उसके अजर में अल्लाह ने मुझे ये दिया। तो ये तो सारे हालात बुजुर्गों के गुजरे हैं और गुजरते हैं। वैसे सलूक में बीवी का भी हिस्सा हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। देखो वो आदिस में भी है कि वो तुम्हारे ईमान की मुहाफिज है। जबकि लोग अक्सर बीवी को कोई दर्जा नहीं देते बेचारी को, लेकिन अगर देखा जाए तो वो तुम्हारी नस्ल की भी मुहाफिज है, तुम्हारे ईमान की भी मुहाफिज है, तुम्हारे घर की भी मुहाफिज है, तुम्हारे बच्चों की भी मुहाफिज है, तुम्हारे माल और मुता की भी मुहाफिज है, तुम्हारी इज्जत की भी मुहाफिज है। उसको तो बड़ा दर्जा है अगर देखा जाए तो। और फिर तुम्हारी खिदमत भी करती है, खिदमत गुजार भी है, तुम्हारे बच्चों की भी खिदमत करती है और उसके अवज तुमसे दो कपड़े दो रोटी लेती है बस। और फिर तुम उसको जरिए समझो। असल में तसव्वुफ में सबका दर्जा है, सबका एक मकाम है। और सलूक और तसव्वुफ है इसी चीज का नाम कि उसको हर उस चीज को जिसका अल्लाह ने जो मकाम और दर्जा मुकर्रर किया उसको उसमें जानो। खुदा को समझने के लिए उसको अफाल को समझना लाजिम है। जब तक तुम फेल को नहीं समझोगे सिफात को नहीं समझ सकते। और इसी का नाम मारफत, इसी का नाम मारफत है, पहचानना, हर का हक पहचानना। जब तक तुम मखलूक का हक नहीं पहचानोगे तो खालिक का हक तुम्हें कैसे मालूम होगा। जो हमारे आस पास है, हमारे से रिलेटिव है, पहले तो हमें उनका भी हक पहचानना है। तो यही सलूक है। अब हम सलूक कर रहे हो, खुदा को पहचानने की कोशिश करते हैं लेकिन मखलूक का हक नहीं पहचानते, तो फिर खुदा की पहचान कैसे हो जाएगी। अल मखलूक अयालुल्लाह, मखलूक जो है अल्लाह की अयाल है। तो अगर कोई तुम्हारी अयाल के हक ना पहचाने तो तुम उसको कैसे पहचान लोगे, उसको कैसे चाहोगे। अल्लाह कहते हैं ना मुझे कर्जा दो, मुझ पे एहसान करो। तो बंदा अल्लाह पे क्या एहसान करेगा, खालिक पे मखलूक क्या एहसान कर सकती है। लेकिन मखलूक पर ही मखलूक एहसान करके खालिक पर एहसान हुआ, खालिक अपने ऊपर ले लेता है क्योंकि उसकी मखलूक है। कि अगर कोई शख्स तुम्हारे बहन भाई बीवी बच्चों के साथ एहसान करता है तो तुम पर एहसान होता है। तो इसी तरीके से जो खल्क पर एहसान करता है तो वो खालिक पर एहसान मानता है, खालिक उसका, और उसका अजर देता है उसको। वो एहसान करने वालों को पसंद करता है, तो एहसान उस पर क्या करोगे तुम। तो उसकी खल्क का हक पहचानना ही एहसान है। और इबादत के हिस्सों में से एक हिस्सा है। और सारा सलूक जो है अगर देखा जाए तो 70% सलूक हकूकुल इबाद है और 30% सलूक हकूकुल्लाह। अगर आप हकूकुल्लाह पूरे करते रहो मगर हकूकुल इबाद पूरे ना करो तो आप अहले सलूक में से नहीं होगे। शैतान मर्दूद हकूकुल इबाद में हुआ था, हकूकुल्लाह में नहीं हुआ। जब उसके बंदे का हक अदा नहीं किया हक तो मर्दूद हो गया। मतलब हकूकुल्लाह में तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसने। आज हम हकूकुल्लाह को अव्वल समझते हैं, हकूकुल इबाद को बाद।
چونکہ حقوق العباد جو ہے وہ اخلاق سے ہے, اور اسلام نے اخلاق پہ سب سے زیادہ درج دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے, وہ سمجھ ہے, لیکن مخلوق نہ غنی ہے نہ سمجھ ہے. تو اگر تم اس کی عبادت اس طرح سے نہیں بھی کرتے ہو جس طرح حق ہے, تو بھی وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے. لیکن چونکہ بندے کا حق بندہ ہی معاف کرے گا, اور بندہ اتنے بڑے دل کا نہیں ہوتا. حضرت جلال الدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ کے واقعہ ہے کہ آپ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمتہ اللہ علیہ سے مرید ہونے آئے. تو حضرت جلال الدین تبریزی جو تھے یہ والی تبریز تھے, تبریز کے بادشاہ تھے. فقیری کا جب شوق ہوا تو بادشاہ ترک کر دی. اس زمانے میں جو آس پاس بڑے شیوخ میں شمار ہوتے تھے وہ حضرت شیخ شہاب الدین تھے. تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں تائب ہونا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اب اللہ کا راہ اختیار کروں. آپ نے فرمایا کہ اے جلال الدین, مشکل کام ہے, اور تم نے بادشاہت کی ہے, تو فقیری بہت مشکل ہو جاتی ہے بادشاہت میں. انہوں نے کہا نہیں حضرت, میں تو عہد کر لیا ہے اور اس پہ قائم رہوں گا چاہے کتنی مشکل آئے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر پہلا مسئلہ یہ ہے اس کا کہ ہم تم مرید کریں, پہلے تم واپس تبریز جاؤ, اور جن جن کا حق مارا ہے ان کا پہلے حق دو, اور جن جن پہ ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگو, اور جب وہ تمہیں معاف کر دیں اور تم لوگوں کے حق پورے کر دو پھر تم میرے پاس آنا, کیونکہ اس سے پہلے تمہیں اللہ قبول نہیں کرے گا. اب یہ تو بڑا پریشان کن مسئلہ تھا. آپ نے فرمایا حضرت اب تو مجھے یاد بھی نہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, جاؤ لوگ تمہیں خود یاد دلا دیں گے. وہی ہوا, 3 سال لگے آپ کو اس کام میں, اور وہ رسوا ہوئے آپ تبریز میں کہ جس کو کوئی حد نہیں. لیکن آپ نے بھی اپنا کام بڑے ثابت قدمی سے کیا, اور 3 سال کے بعد آپ جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تبریز تمہاری آدھی منزلیں ختم ہو چکی ہیں, اب تو تھوڑا سا رہ گیا سلوک تمہارے لیے. انہوں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ ہاں اصل تو یہی سلوک تھا جو تم کر کے آ گئے. اب کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے مرید کیا اسی وقت اجازت خلافت دی تھی. اور ولایت بنگال دے کے بھیج دیا آپ. تو اس کا مطلب سلوک کیا تھا؟ تو بات یہی ہے, اس راستے میں کسی کا ذلا برابر بھی حق آڑے آتا ہے. کیوں؟ کہ یہ مفروضوں پہ نہیں ہے بات, یہ حقیقت کو پہچاننے پر ہے, اور حقیقت میں ہر ذرہ ہے موجود ہے. تو تمہارا ہر عمل تمہارے آڑے آئے گا, کیونکہ ہر عمل کا ایک وہ ہے نا رد عمل. اگر برا کیا تھا تو برا سامنے آئے گا, وہ رکاوٹ ڈالے گا جب تک کہ اس کو ریموو نہیں کر دو گے. اچھا کیا تھا وہ ساتھ آئے گا. تو حقیقی حقوق العباد کا نام جو ہے نا وہ سلوک ہے. ہم سمجھتے ہیں سلوک جو ہے وہ کچھ اور الگ سے کوئی خلق ہے اور کوئی مخلوق ہے, یہ
ऐसा कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा तरीका ही सलूक है। और सलूक की जो बीज है वो सदाकत और अमानत है। अमानत में वही हक आ जाता है हर किसी का, और सदाकत में सच्ची बात आ जाती है कि सच्ची सच्चाई से मुंह ना मोड़ो, चाहे वो कितनी बुरी तुम्हारे लिए हो तलखो उसको कबूल करो। आइए समझ में, तो सच्चाई जो है हक है और अमानत जो है सबर है। तो वत्तवास भी हक है, वत्तवास भी सबर। वही लोग कामयाब है जो हक पे और सबर पर है। सारा सलूक यही है। अब उसका एक हिस्सा इबादत है, और वो जो एक हिस्सा उसका इबादत है ना, उसका फायदा इनफरादी है। जो कर रहा है उसी को होगा बस। अब हमारा क्या होता है कि हम जोर इनफरादियत में देते हैं क्योंकि वो आसान है। भाई वजू करके सजदा करना तो आसान काम है ना, तस्बीह घुमाना आसान काम है, मुसल्ले बैठा रहना आराम से आसान काम है। सलूक किसी में आसानी में कोई नहीं है, सलूक आसानी में नहीं है। हाँ, खल्क के साथ मामला करने में परेशानी होती है, वो सख्त काम है। अब तस्बीह को तुम घुमाते हो, तस्बीह रात दिन तुमसे एक ही सवाल करती है। तुम उस पर चाहे अल्लाह अल्लाह जप रहे हो, लेकिन तस्बीह तुमसे पूछती है कि क्या तूने अपने दिल को फेरा। मुझे तो फेर रहा है तू, बार बार घुमा घुमा के ला रहा है वापस, लेकिन क्या तूने इसको भी फेरा जो तेरे अंदर है। मुझे फेर के तुझे क्या फायदा होगा। और मुसल्ला कहता है तू मुझ पे चढ़ के बैठा हुआ है, ये काम तो अपने नफ्स के साथ कर, उस पे चढ़ के बैठ। तो तुझे फायदा होगा नहीं, तो मुझ पे चढ़ के बैठने तुझे क्या फायदा। तो सलूक क्या है, हकीकतुल अशिया और हकीकतुल अफाल, कि अफाल की हकीकत को जानना और यही हिकमत है। अफाल को जानना इल्म है, लेकिन अफाल की हकीकत को जानना हिकमत है। तो हम अफाल को जानने पर ही रहते हैं बस, और उसी को पूरा इल्म समझ लेते हैं। और अल्लाह ताला कहता है कि मैंने जिसको हिकमत दी उसको खैर कसीर दी, और खैर कसीर यही है कि जब वो हकीकतुल अशिया और हकीकतुल अफाल को जानता है तो अपने रब के करीब हो जाता है। और जब तक अफाल की हकीकत को और अशिया की हकीकत को नहीं जानता, रब से करीब नहीं हो सकता कभी भी। एक आबिद था बनी इसराइल का, और उसने ये नियत करी कि मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा और कोई वक्त अपना याद इलाही से गाफिल नहीं रहूंगा। और उसने दुआ करी कि मेरे रब तू मेरे लिए इतना कर कि मुझे एक रोटी मिल जाया करे बस रोजाना,
अब कुछ नहीं चाहिए और मुझे, बस ताकि मैं तेरी इबादत में लगा रहूँ, वो टाइम भी ज़ाया ना करूँ कमाने में उस रोटी के। तो वो बात कबूल कर दी गई उसकी। ये बात उसकी इबादत की खबर हज़रत मूसा तक पहुंची, कितना आबिद है वो, कोई लम्हे ज़ाया नहीं करता इबादत में। आपको इश्तियाक हुआ कि चलो उससे मुलाकात करूँ, आप उससे मिले, मुलाकात करी, बड़े खुश हुए आप उसके तरीके को देख के। और फिर आप जब हम कलाम हुए अल्लाह तबारक व तआला से, तो आपने उस बंदे का जिक्र किया अल्लाह से, तो आपको जवाब आया कि मूसा हम उसकी इबादत से खुश नहीं। हम उसकी इबादत से खुश नहीं है और ना कबूल करते हैं। उसको बता भी दो ये बात, क्यों अपना वक्त जाया कर रहा है बैठ के। हजरत मूसा बड़े परेशान हुए कि ये क्या बात हुई। आप ये हुई कि मैं उसको खबर कर दूं जाके, तो आप उस शख्स के पास गए और उससे कहा कि भाई मेरी जब अल्लाह से मैं हम कलाम हुआ और मेरा बात हुई, तो अल्लाह ताला ने जब मैंने तेरा जिक्र किया तो अल्लाह ने तेरी इबादत रद्द कर दी, और वो तो तेरी कोई इबादत कबूल नहीं करता। तो मैंने सोचा कि तुझे समझा दूं जाके। तो उसने कहा है मूसा, मैं मालिक तो नहीं हूं। मैंने कहा हाँ, मेरे मालिक तो वही है। मैंने कहा हाँ, मैं मखलूक हूं और मिल्क हूं। मैंने कहा हाँ, तो कहा मेरे लिए मेरे मालिक के अलावा तो कोई दर नहीं है, वो कबूल करे या ना करे। और मेरा तो कोई माबूद नहीं है उसके अलावा, उसकी इबादत के अलावा मैं किसकी इबादत करूं। तो वो ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूं, वो उसका काम है, वो करे जो उसका जी चाहे, मैं तो उस पर नहीं कह सकता कि उसको कबूल कर ले तू। बात ये हुई, खत्म हो गई। अब वजू था हजरत मूसा की जब दोबारा मुलाकात हुई, तो हजरत मूसा ने सोचा कि मैं उसका जवाब पहुंचा दूं। तो जब मूसा ने जवाब पहुंचाया तो कहा है मूसा, हमने तो जब भी कबूल कर ली थी उसको खबर दे देना ये। क्यों? कि अब तक तो वो खाली आबिद था, लेकिन अब आरिफ हो गया कि उसने पहचान लिया हमें, पहचान लिया। और जब उसने हमें पहचान लिया तो हमने उसको बख्श दिया। जब हजरत मूसा ने आन को उसको ये बात सुनाई तो ये बात सुनते ही इंतकाल कर गया। तो बात यही है कि इसीलिए बुजुर्गों वो शेर है ना कि यक जमाना सोबते बाओलिया, अज बेहतर इबादत अतात यह अज बेहतर अतात सत साल बेरिया, कि 100 साल की अगर अतात भी है तो वो उसके आगे बेकार है कि तूने थोड़ा सा लम्हा किसी की सोबत में गुजार लिया। क्योंकि अतात से तो जाहिद और आबिद ही बन सकता है, बस आरिफ नहीं बन सकता। तो बात यही है कि अगर कोई ये जानना चाहे कि वो रब को जाने, तो उसको रब के अफाल को जानना होगा। आई ना समझ बात? और जब तक वो हकीकत अफाल को नहीं पहचानता, वो रब की इबादत नहीं कर सकता। अभी जो हम कर रहे हैं वो बेजाने कर रहे हैं, और बेजाने करना गोया मखलूक के लिए बेकार नहीं है, अफजल है, बेहतर है,
आप लोग कह रहे हैं आम लोगों के लिए बहुत अच्छी है, करना चाहिए, लेकिन वो का इबादत करना ऐसा है आला दर्जे की। हर एक का एक काम है। एक बैल है वो हल में भी जुतता है और वो कोल्हू में भी। कोल्हू का बैल सारा दिन चलता है लेकिन वहीं खड़ा होता है ज्यादा चलता है, एक सुबह से शाम तक पूरी जमीन को अबूर कर लेता है। लेकिन काम अपना दोनों कर रहे थे। आई ना समझ बात? तो असल वो है कि जो उसको जान के उसकी बात की जाए। लिया आबुदून का मकसद ही यही है। लेकिन ऐसा मकसद ये नहीं कि आवाम इबादत करना छोड़ दे। क्यों? कि जब तक हम नकल नहीं करेंगे असल तक नहीं आएंगे। प्रैक्टिस करते करते आता है ना आदमी, प्रैक्टिस में होता है। तो आम मखलूक की इबादत तो प्रैक्टिस के हिसाब से है कि जो जो प्रैक्टिस की बढ़ती जाएगी वो करीब तर होता जाएगा। और जब तक हम हकीकतुल अफाल को नहीं समझते, जब तक हम नासूत से नहीं निकलते, एक गाड़ी आपके सामने खड़ी है, चाबी आपके हाथ में, मगर आपको ये नहीं पता कि ये स्टार्ट कहां से होगी। तो वो आपके लिए बेमकसद हो गई गाड़ी पूरी, चाहे कितनी कीमती क्यों ना। तो गया उस चाबी और उस गाड़ी का अगर स्टार्ट की जगह मालूम है कि चाबी यहां लगा के इसको सर लगाया जाए तो स्टार्ट हो जाएगी। ये हकीकतुल अफाल है। फिर सफात पे जाते हो, फिर सफात की हकीकत सामने आती है और फिर हर फेल में सिफत नजर आती है उसकी। और जब हर फेल में सिफत नजर आने लगती है तो सिफत के जरिए वो जात को पहचानने लगता है। फिर होता है कि वो अपने रब को पहचानता है। तो फिर जब वो इबादत करता है तो उसकी इबादत फिर उसके दर्जे के मुताबिक बुलंद होती जाती है। इतनी इतनी हकीकत आश्कार होगी, दर्जात में उसके दर्जात में बुलंदी आती जाएगी, उसकी इबादत के दर्जात में बुलंदी आती जाएगी। देखो एक ही फेल का मुख्तलिफ सवाब होते हैं। अब आप नमाजी दो रकात अगर फर्ज भी पढ़ो तो आप दो रकात नमाज फर्ज घर में पढ़ो तो उसका सवाब कितना है, वही जमात के साथ मस्जिद में पढ़ो तो उसका सवाब कितना है, वही जाके बैतुल मुकद्दस में पढ़ो तो उसका सवाब कितना है, वही जाकर मदीना मनवरा में पढ़ो रोज़ा रसूल में उसका सवाब कितना है, और वही हरम में जाके पढ़ लो। लेकिन सवाब दर्जात सबके अलग अलग होते चले जाएंगे, नमाज वही है। तो ये चूंकि सब करीब से करीब तर होता जा रहा है ना, वो तो उसके दर्जात बढ़ते जा रहे हैं। तो यही है हमारी इबादत का हल है, मसला है कि जो जो हम पहचान जितना पहचानते जाते हैं हमारी नमाज हमारी इबादत के दर्जात उतने बुलंद होते चले जाते हैं।
और उतने बढ़ते चले जाते हैं। तो अब सलूक में तो हम कहते हैं कि भाई सलूक 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 में काम दाखिल हो जाओ, सलूक में आ जाओ, तसव्वुफ में आ जाओ, इसमें आ जाओ। इस रास्ते में आने के लिए सबसे पहले क्या है, हकूकुल खल्क हकूकुल इबाद को समझना और पहचानना और फिर उसका हक अदा करना। क्योंकि पहचान इसीलिए कराई गई है कि तुम अदा करो, सिर्फ तुम्हारे जानने के लिए नहीं कराई गई कि तुम जान लो। एक आदमी है उसको पता है रोटी गंदम से पकती है, ऐसे ऐसे पकती है, इसी तरह से बनती है। अब पता तो सब कुछ है लेकिन वो रोटी पकाए ना तो भूख से मर जाएगा। अब उसके इल्म का होने का क्या फायदा हुआ उसको, उसको रोटी का तो इल्म था कैसे बनेगी, लेकिन बना ही नहीं, जिसका नतीजा भूख से मरना हो गया। तो हमारे लिए बस इतना ही काफी हो जाता है कि हम सब बातें जानते हैं। अमल की हमें जरूरत नहीं है। हम बज़ाहिर भी जो पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर चाहे वो तसव्वुफ के हिसाब से पढ़ें, चिल्ला काटने के हिसाब से पढ़ें, तो अगर लोगों का हक हमारे ऊपर हैं और हम उनको अदा नहीं करते, इग्नोर करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, तो हमारे इन चीज़ों में बड़ी रुकावट आएगी, इनमें हमें कामयाबी नहीं होगी। और जो कुछ हमारी सही और मेहनत और रियाजत के बाद जो कुछ कामयाबी होगी भी, तो वो शयातीन कार फरमा होंगे, उसमें हमारे मोमिन शयातीन होंगे शर के साथ है ना, शयातीन होंगे हमारे साथ। और वो भी क्यों हो जाते हैं कि शैतान अपनी जरूरियात को हमारे साथ लगा देता है कि लग जाओ इसके साथ, ताकि ये इस पर अड़ा दे और ये समझा कि मैं कामयाब हूँ, पूरा लोगों पर जुल्म करने के बाद भी मैं कामयाब हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह मुझे करीब समझ रहा है अपने, वो अल्लाह अपने आप को करीब समझ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि शैतान तुम्हें धोखा इस बात पे नहीं देता कि तू ये गलत कर रहा है, बल्कि इस बात पे देता है कि तू सही है बिल्कुल। इसकी खूबी यही है, ये कभी तुम्हारे एंटी नहीं जाएगा किसी भी काम में। आलिम को उसके इल्म में गर्क करेगा, मुत्तकी को उसके तकवे में गर्क करेगा, साइम को उसके रोजे में गर्क करेगा, आबिद को उसकी इबादत में गर्क करेगा, जाहिद को उसके ज़ौद में गर्क करेगा, किसी को मना नहीं करेगा, दुनियादार को दुनिया में गर्क करेगा, किसी के एंटी भी जाएगा। क्योंकि एंटी होने से तो आदमी होशियार हो जाता है ना, अगर एक आदमी मिसाल के तौर पर तुम्हारा दोस्त है, वो कहता है यार ये तू गलत कर रहा है, तू काम सही नहीं कर रहा, लेकिन तुम उस काम को बड़ी शिद्दत से कर रहे हो, तो वो तुम्हारा एंटी हो गया। अब तुम उससे होशियार रहने लगोगे, यार ये मेरे काम में रुकावट डालेगा, ये मना कर रहा था मुझे। लेकिन अगर कोई तुम्हें थपकी देगा कि यार वाह बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, तुम्हें भी तेरे साथ हूँ, तो फिर तुम उसके अपना हमदर्द समझोगे, उसको अपना राजदार समझोगे, और फिर कभी भी उसकी हकीकत को नहीं पाओगे। तो ये फिर कभी भी तुम्हें मुखालिफ नहीं होगा तुम्हारा। अच्छा मुखालिफ ये होगा तुम्हारा कब, जब तुम सीधे रास्ते पर होगे।
ये सुरात मुस्तकीम पे बैठा हुआ है। अगर तुम यहां नहीं आ रहे तो इसकी तुम्हारे कोई लड़ाई नहीं, ये तुम्हारा दोस्त है। वो कहता है ये रास्ता छोड़ दे तुम, ये मेरा रास्ता है, मैं बैठा हुआ हूं यहां पे, बाकी तू कोई सा भी इख्तियार कर, मैं तेरे साथ हूं। और सिराते मुस्तकीम यही है कि सबसे पहले अफ़ाल को, उसकी हकीकत को समझो, फेल की हकीकत को जानो। क्योंकि फेल मकबूल भी है और मर्दूद भी। और पहली सीढ़ी है, या तो यही मर्दूद हो गया या यही मकबूल हो गया, सिफत तो बाद में आएगी। आई ना समझ में। अब ये देखो कि जो हम जिस फेल में हैं, भैया वो अल्लाह और रसूल की तालीम के मुताबिक है या उससे अलग है। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा शैतान का जो हमला रहा है वो तसव्वुफ में रहा है और अहले तसव्वुफ में रहा, अहले इबादत से उसका कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जब वो ये देखता है ना कि अहले इबादत मार्फल की तरफ आ रहे हैं, फिर उसका झगड़ा शुरू होता है उनसे, मना नहीं होता, ना करो। क्योंकि जब तक ये खुदा की हकीकत को नहीं पहचानेगा ये मर्दूद ही रहेगा, चाहे कितनी इबादत करता रहे कोई मसला नहीं उसके लिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, दूर ही रहेगा, झगड़ा इनसे उसका। उसने क्या करा कि सबसे पहले इनमें से ना शरीयत को निकाला कि भाई तरीकत और शरीयत का क्या ताल्लुक। अब जैसे घी बनाने के लिए हमें दूध की जरूरत नहीं है, वनस्पति घी बन रहा है, तो हम दूध के झमेले में क्यों पड़े। हांडी उसकी भी अच्छी बनती है, पराठे उसके भी अच्छे बनते हैं, सब कुछ अच्छा बनता है उसका भी, तो फिर ये दूध के झमेले में क्यों पड़ रहा है इतने लंबे में। तो उसने वो तरीकत को ना वनस्पति घी की तरह अलग करा दूध से, आसानी से दस्तियाब होगी। हाँ, अब शरीयत तो एक जाते में है ना, शरीयत के मायने तो एक रास्ते के, एक राह के, एक कानून के, वो एक जाबता है। लेकिन तरीकत को हमने ऐसा बना दिया, ना उसका कोई जाबता है ना उसका कोई कानून है, जो जैसा कर रहा है वो तरीकत है। अब ये शरीयत से अलग होने की वजह से हुआ, अलग होने की वजह से हुआ। भाई आपको एक बाउंड्री दी जाती है तो ये बताया जाता है भाई ये आपकी हदूद है, आप इसमें रह के कुछ भी करें, आप इसमें बिल्डिंग बनाएं, इसमें कुआं बनाएं, इसमें तालाब बनाएं, इसमें महल बनाएं, ये इसी में बनेगा आपका। लेकिन अगर आपको हद नहीं दी गई, पूरा मैदान आपके हाथ में और आप पूरे मैदान में दौड़ रहे हो, तो आप चाहे रोड पे तालाब बना दो, चाहे रोड में गड्ढा खोद दो, चाहे लोगों को आने जाने की परेशानी हो, वहां कांटे लगा दो, क्योंकि कोई हद का युद्ध तो है नहीं आपके पास। तो हमने तरीकत को उस तरह ढाल दिया, ये इसके कारनामा था एक बड़ा।
अब वो कह दिया भाई ये पीर साहब है, ये जो कुछ कर रहा है यार ये तो तरीकत है, ये जानते हैं बेहतर। अब शरीयत को तो हर कोई जानता है ना, तो वो बात कर सकता है उसमें कि ये तो शरीयत में, मैंने ये बोले ये तेरी शरीयत में थोड़ी है हमारी तरीकत में। जिसका नतीजा क्या हुआ, बेरार अभी हो गया। आगे समझ बात, अब वो जो चाहे करें यानी कि बिल्कुल खुले हो गए अपनी अपनी तशरीहात अपने। हाँ एक सूफी साहब से मेरी मुलाकात हुई एक दफा, वो अपने आप को सूफी कहते थे और फकीर कहते थे, अपने नाम के तो फकीर लिखते थे, सूफी फकीर बड़ा लंबा नाम था उनका, नाम मैं नहीं लूंगा उनको बेचारों का। तो मेरे उसके बड़ी अच्छे दोस्त थे, वैसे वो बड़ा नमाजी वैसा आदमी था वो, लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई उससे तो वो बिल्कुल ही बदला हुआ। अभी मैंने कहा यार तुझे क्या हो गया, कह रहे नहीं बस पीर साहब से जब मैं बैत हुआ था तो उन्होंने कहा जाओ गुसल करो, तो उन्होंने एक दुआ पढ़वाई, गुसल पानी करके दम करके दिया और कहा जाओ इससे गुसल कर लो। मैंने कहा अच्छा, बोला मैंने गुसल कर लिया, अब मुझे गुसल की हाजत नहीं रही। उन्होंने कहा अब तुम्हारा हमेशा गुसल करा दिया हमने। फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा वजू करो जाओ, वजू करा, बोले उन्होंने मुझे दोनों चीजें आजाद कर दिया कि अब तुम ना गुसल की जरूरत तुम्हें ना वजू की जरूरत तुम्हें, अब सारी उम्र तुम्हारी ऐसी गुजरेगी, अब तुम जिक्र करो बस, अब ये तुम्हारा वजू कभी टूटेगा नहीं, ये गुसल तुम्हारा कभी टूटेगा नहीं, अब तुम जिक्र अजगार करो। अब वो मैंने कहा भाई तेरा दिमाग तो नहीं चल गया, अब अगर ये सब काम करना होता तो नबी करीम साहबा कराम को करके दे देते, जब तो पानी भी नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल थी पानी की। कहने का यार तुम नहीं समझते तरीकत की बातों को। पीर साहब का तो हर वक्त अल्लाह ताला से ताल्लुक जुड़ा हुआ था, अभी तो मैंने कहा ये बता तूने कभी सुना कि खुदा से था खुदा बंद से था, कह रहे ये क्या बात हुई। मैंने कहा हाँ यही समझने वाली बात है, वो मरते मर गया मगर उसने वजू गुसल नहीं किया। और मैंने कहा तू अकेले ही बाकी भी हैं, अरे कहने हजारों मुरीद हैं उनके। मैंने कहा हजारों इसी हाल में, कहने के हाँ। मैंने कहा अल्लाह रहम करे भाई तेरे भी। अब बोलो तुम आई समझ में बात। अब कुछ ऐसे भी हैं वो नमाज ही नहीं पढ़ने जाते, ना पढ़ते हैं कभी भी नहीं पढ़ते, भले भाई क्यों नहीं पढ़ते, कह लगे भाई त्वाड़ी पंच वेले साड़ी हर वेले, अब पांच वक्त कौन पढ़े, जरूर पढ़ रहा हूं। मैंने बोला एक बात बता, कहने लगे क्या। मैंने कहा बगैर बीच तो दरख्त पैदा कर सकता है, कह रहा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। अबे तो मैंने पांच तो बीज हैं, बाकी उसकी शाखाएं हैं, तो जब तुमने बीज नहीं बोया तो शाखे कैसे हो गई। मैंने कहा ऐसे बड़ी गुमराही तेरे पास कौन सी होगी। तो बात यही है कि अब तरीका जो है ना वो हमने क्या करा, शरीयत को इसीलिए दूर किया, ये शैतान का एक कारनामा था। ये जो नशा आया इसमें इस लाइन में इसी वजह से आया, वो क्या कि यकसु होने के लिए उन्होंने अल्लाह का जिक्र या तसव्वुर का सहारा नहीं लिया बल्कि नशे का सहारा लिया। ये भी एक रास्ता बताया शैतान ने उनको। अच्छा इसका जो बानी था हशीशी,
अब्दुल्ला बिन सबा और उसके बाद अलमुकन्ना। अलमुकन्ना जो था इसके तकरीबन तकरीबन 3 लाख से ज्यादा पैरोकार थे। और गुमराह कौन आदमी था और अपने वक्त का बड़ा आलिम और साइंसदान था। इन्ने चांद बनाया था। खलीफा वक्त इससे डरता था क्योंकि खलीफा के दरबार में बड़े बड़े औहदों पर इसके मुरीदीन थे। तो शैतान किसी को भी जमीन पर ना अपना खलीफा बनाता है और फिर उससे फैलवाता है सारे काम और फिर उसको ये गुमराही की कुव्वत अता करता है क्यों तसरुफा दिखाए लोगों को और अपनी नई एक तरीका शरीयत लेकर आए। और उसमें लोग गुमराह होते हैं। आज कसरत हमारे यहां वही है। यह आज बड़ा मसला है। कि जो सूफिया का तरीका था वो छोड़ दिया। हर आदमी ने अपने मतलब की अपने मकसद की तरीकत बना ली और उस पर कायम हो गया। अच्छा शरीयत कोई अपने मकसद की बना नहीं सकता इसलिए कि महफूज है। आई समझ बात। चूंकि ये हदूद और कयूद है वो अपनी मनमानी की नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाता। जब मनमानी नहीं करता तो हदूद और कयूद में आ जाता है ना। और वो तरीका जो है उन्होंने जो तरीका इन्होंने बना ली सूफिया की से हटकर और औलिया अल्लाह से खुद साख्ता उसका नतीजा यही है कि वो बेमुहार है। कुछ भी उसके दरमियान कर लो तुम। और उसकी सबसे पहली शनाख्त ये होगी कि जिस पर ये वारिद होती है गुमराही की तरीका सबसे पहले वो अपने मराती बयान करे अपनी जबान से। और एक ऐसा अपने इर्द गिर्द माहौल बनाएगा जो बस उसको खुदा और रसूल नहीं समझेंगे बाकी सब कुछ वही होगा। फिर उसके बाद और आज हमारे इस बात की कसरत हो रही है। देखो इसी की भी बात से इनकार किया जा सकता है या किसी की बात पर भी तावील पेश की जा सकती है या किसी की बात पर भी से इनकार किया जा सकता है अलावा वो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान ना हो। कि अगर कोई हमें अल्लाह और उसके रसूल का फरमान दे रहा है और हम उससे इनकार करें तो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के इनकार कर रहे हैं। मगर कोई अपने फरमान के मुताबिक अगर हमसे बात कर रहा है और हम उसको रद्द करते हैं तो हमें काफिर कर देता है। या हम उससे इनकार करते हैं तो हमें काफिर कर देता है। तो ये इसका मतलब है उस तरीके गुमराही का पहला हिस्सा है। आप बिल्कुल उस पर फतवा लगा सकते हो कि ये उसी तरीकत पर है। अपनी मुखालफत बर्दाश्त नहीं करेगा और ये चाहेगा कि मेरे मराती में रोज बरोज तरक्की हो लेकिन लोगों की जबानी होती रहे बस चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं। और मजे की बात यह है कि जो शख्स लोगों की जबान में
محبوب بننے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں مردود ہو جاتا ہے. اور اس کی مردودیت کا نتیجہ اس پر یہ نکلتا ہے کہ وہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے, اللہ اس کے معاملے میں اس کے دل کو اور سخت کر دیتا ہے. کیوں کہ دلوں میں سختی کب آتی ہے؟ جب تجلی الہیہ سے محجوب حجاب پیدا ہوں, اور زیادہ حجاب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جتنے حجاب پیدا ہوتے جاتے ہیں وہ اپنے معاملے میں اتنا سخت ہوتا جاتا ہے. پھر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول کو بھی نہیں پہچانتا, وہ خود ہی خدا اور رسول ہوتا ہے. یہ اسی طریقت کی گمراہی ہے جو شیطان نے دے دی ہے, جس کا بیج شیطان نے بو دیا. اور وہ شوق اور مراد ظاہری, اس کا اول حصہ ہوتا ہے. کہ اس کو اس بات کا شوق بھی ہوگا کہ اس کو مراتیں حاصل ہوں, اس کو اس بات کا شوق بھی ہوگا کہ اس کی واہ واہ ہوتی رہے, اس کا اس بات کا بھی شوق ہوگا کہ لوگ اس کو سجدے کرنے لگے اور اس میں فخر محسوس کرے گا, اور جو اس کی تعریف کم کرے گا وہ اس کے لیے برا ہوگا, جو اس کی تعریف زیادہ کرے گا وہ اس کا نزدیک ہوگا. اور علماء کا دشمن ہوگا, علماء حق کا ہمیشہ. کیونکہ یہ بھی فرق دیکھنا ہے ہم نے کہ علماء حق کون ہے. ہر علم والا عالم نہیں ہوتا, عالم وہی ہوتا ہے جو حق کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جو مراتی ہو پھر وہ اسی کی طریقت کا حصہ ہوتا ہے, اسی کی سلطنت کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو آج جو بھی بگاڑ پیدا ہوا وہ اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ شریعت کو جو بالائے طاق رکھا گیا اور ایک طرف کر دیا گیا, اور یہ کہہ دیا گیا کہ شریعت کا طریقت میں کوئی دخل نہیں, کیونکہ شریعت سے طریقت اوپر ہے. بھائی دودھ سے تو گھی مہنگا ہے نا, آئی نا سمجھ. تو اس نے اس کو اس کے اوپر کر دی, جبکہ اگر دیکھا جائے حقیقت بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شریعت ابتدا میں تو سمجھ میں بھی نہیں آتی. شریعت کی حقیقت تو کھلتی ہے حقیقت کے بعد, جب وہ مقام حقیقت کو روپ پا لیتا ہے. یعنی کہ شریعت طریقت معرفت سے گزر کر مقام حقیقت کو پا لیتا ہے جب شریعت کا عقدہ کھلتا ہے کہ شریعت کیا ہے, اس پر پھر وہ شریعت کے اسرار و رموز کو سمجھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اول بھی ہے, شریعت آخر بھی ہے. کیونکہ یہ اس نبی کے قول اور فعل ہیں جو اول بھی ہے آخر بھی ہے. اب جب اس کو نکالنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جب یہ نکلے گی تو ہم جس قول اور فعل کو چھوڑتے ہیں, جس کے اس سے دور ہو جاتے ہیں,
और फिर दूर होते होते एक दिन वो हमारी नजर से मफकूद हो जाता है, छुप जाता है, पोशीदा हो जाता है। जब वो पोशीदा हो जाता है फिर हम बेबाक हो जाते हैं, फिर खौफ हमें से खत्म हो जाता है। और वो खौफ, खौफ हिदायत हो जाता है, खौफ गुमराही नहीं रहता। नहीं, खौफ के दो हिस्से हैं। एक आदमी खौफ खाता है गुमराही से, क्यों गुमराह ना हो जाऊं, फिर उसमें वो बात नहीं रहती, वो खौफ हिदायत में मुबतला हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हिदायत वाली बात आ जाए और मैं निकल जाऊं, मेरा मरातिब चले जाए सारे। तो उस रास्ते से आंखें मीच के रखो जिस रास्ते में सब कुछ चला जाए। क्योंकि वो फिर सब कुछ, जब उसका खालिक से रिश्ता टूट जाता है ना, तो वो सारा कुछ मखलूक पर डिपेंड करने लगता है। वो फिर मखलूक से ही वाहवा चाहता है, मखलूक से इज्जत चाहता है, मखलूक की बेइज्जती से डरता है, मखलूक कोई महकूम मानता है, मखलूक कोई हाकिम मानता है, सारा कुछ फिर वो मखलूक में ही फंस के रह जाता है और ये इंतहाई गुमराही हो जाती है। फिर अब आज हमारे यहां वही तरीकत राइज है, अक्सरियत।